स्वागत है आप सभी का जायका में। व्रत में पनीर खाने का मन है और कैसे बनाया जाए इसके लिए हम आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और इजी सा पनीर की रेसिपी लेके आए हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में 8-10 काजू को ऐसे ड्राई रोस्ट होने के लिए रखेंगे। 2-3 मिनट ही इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। अब ये ड्राई रोस्ट हो रहे हैं और स्लो फ्लेम पे हैं। अगर आप खाते हैं तो एक छोटी हरी इलायची इसमें डाल देंगे, नहीं खाते तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब एक बाउल में एक बड़ा चम्मच जैसे ताज़ा मलाई ले लेंगे भर के, और ऐसे ही भर के एक बड़ा चम्मच दही का ले लेंगे। इसको ले लेंगे और पहले काजू को निकाल लेंगे। ड्राई रोस्ट होने के बाद पहले काजू का पाउडर बना लेंगे, फिर मलाई, दही और इसमें 3 हरी मिर्ची डाल देंगे। इसका पेस्ट बना लेंगे। पहले काजू निकाल रहे हैं हम, इनका पाउडर बना लेंगे मिक्सी जार में डाल करके। और इसमें ये हमने दही, मलाई और ये 3 हरी मिर्ची डाली, इनका पेस्ट बना लेंगे। फिर उसी सेम कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, और जब ऑयल गर्म हो जाए, ऑयल में मैंने ये 1 बड़ा चम्मच सिंगारे का आटा डाला है, इसको भून लेंगे। तो बहुत जल्दी भुन जाएगा, ध्यान देना है कि ये जले नहीं, बस ये फटाफट 1 मिनट में ही भुन जाएगा। फिर जो मैंने पेस्ट बनाया था दही, मलाई, हरी मिर्ची और काजू का, ये इसमें डाल करके इसको भून लेंगे 2 मिनट के लिए। ये पनीर बहुत ही इजी वे से बन जाता है और खाने बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए इसको ऐसे भूनेंगे थोड़ा सा। इसमें से ऑयल अलग होने लगा है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, सेंधा नमक डाला है मैंने। और ये 200 ग्राम पनीर है, इसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। इसको 2-3 मिनट मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। जायका में हम आपके लिए इजी सी सब्जियाँ और अलग रेसिपीज लेके आते हैं। आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी किया करिए। अब इसे मिक्सी जार में थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाल दिया था वो इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। इसमें आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और इसको पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए। ये स्लो फ्लेम पे पकाएंगे और इसको फिर ढक देंगे स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। इस तरह से इसको ढक देंगे और 5 मिनट के बाद ढक्कन उतार करके देखेंगे। ये हमारा पनीर अच्छे से पक चुका है, सब्जी तैयार है। अब देखिए आपको जितनी ग्रेवी खानी है अब उतना पानी डाल सकते हैं इसमें। मैंने आधा गिलास ही डाला था। अब इसको ढक देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको 5 मिनट के बाद फिर हम सर्व करेंगे। इस तरह से सर्व करेंगे। आप बना के देखिएगा ये पनीर। और इसके बाद इसको हरे धनिए से हम गार्निश कर लेंगे। आप भी ऐसा पनीर बनाइए, इंजॉय करिए। थैंक यू।